और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए भीषण हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ट्रैफिक के दौरान यहाँ पर देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। ग्वालियर की ये तस्वीर है और कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को यहां पर टक्कर मारी है। करीब 50 मीटर तक कार के बोनट पर घसीटा गया, इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। और ग्वालियर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कांस्टेबल ने की थी कार को रोकने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना। और ये पूरी तस्वीर जो है इस वक्त सामने आई, कार के बोनट पर वर्दी वाला नजर आया। और यहां पर देखिए किस कदर गुंडाई बरती गई है। और कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से बैठकों का दौर लगातार जारी है। बता दें आपको कि थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है उस पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद जानकारी दे दी जाएगी। ये कहा जा रहा था कि करीब 140 से 145 सीटें बीजेपी अपने पास रख सकती है, 80 से 85 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिया जा सकता है, जबकि करीब 45 से 50 सीटें अजीत पवार की एनसीपी को दी जा सकती हैं। कल ऐसी खबर सामने आई थी और आज फाइनल मीटिंग के बाद ये मुमकिन है कि इसका ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, ऐसे में तमाम दल ये तैयारी करने में जुट गए हैं जिनका गठबंधन है, क्योंकि महाराष्ट्र में सीधा मुकाबला एमवीए और महायुति सरकार के बीच है। तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बैठक है जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। और इस बीच रूस से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है, जहां भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पूरी खबर दिखाएंगे एक मिनट की रिपोर्ट में। बर्फ की सड़क पर सरपट दौड़ती गाड़ी, आसमान से खिली धूप के बीच जमीन पर चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, तस्वीरें रूस की है जहाँ से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। एक तरफ जहाँ ये तस्वीरें पर्यटकों के मन को मोह रही है, तो वही लोगों की परेशानी का सबब भी बन रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद रूस के नेशनल हाईवे पर सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े दिखाई दिए। भारी बर्फबारी के कारण सड़कों की स्थिति खराब होने के बाद अमूर और शाखा याकूतिया में लीना हाईवे पर सैकड़ों ट्रक कतार में फंसे रहे। अधिकारियों को शाखा याकूतिया में नारगोनी बस्ती के पास हाईवे बंद करना पड़ा, जिसके कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बता दें कि इस हफ्ते लगातार बर्फबारी और तापमान में गिरावट के कारण ट्रांस साइबेरियन हाईवे से याकूतिया जाने वाले कई वाहन फंस गए और उनमें से कुछ खाई में भी गिर गए। तापमान में गिरावट को देखते हुए ड्राइवरों के लिए हीटिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई है और उनके फंसे हुए वाहनों को निकालने में मदद की जा रही है। बाद में हाईवे से बर्फ हटाकर उसे फिर से खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ, और राज्यपाल मनोज सिन्हा को अपने तक दिलाएंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई। सीएम पद की शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला ने शिकंक में अर्पित की श्रद्धांजलि, तस्वीर आई सामने। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री लेंगे शपथ, सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण। कांग्रेस के एक विधायक को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। नई सरकार की शपथ से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, 10 साल बाद यहां लोगों की हुकूमत होगी, मुद्दे उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेगी, केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्टेट होल्ड देगी। प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के प्रमुख जगमीत सिंह की आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग, साथ ही सभी भारतीय राजनयिकों पर भी प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक, बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों की होगी चर्चा। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे मौजूद, बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बहराइच हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, महसी के सीईओ रूपेंद्र गौड़ को किया हटाया गया, शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में हुई थी मौत। बहराइच में बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बर्बादी के बाद की तस्वीरें आई सामने। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यूपीएससीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बहराइच में मौजूद, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के बैराज में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी, तनाव प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल तैनात, युवक की मौत के बाद बिगड़े थे हालात। यूपी के बहराइच में हिंसा मामले में गिरफ्तार 24 आरोपियों का कराया गया मेडिकल, युवक की मौत के बाद से ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हो रहा था प्रदर्शन।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चली तबादला एक्सप्रेस, 188 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर, महाराजगंज कोतवाली प्रभारी को खीरो कमान दी गई। यूपी के महोबा में पेट्रोल कर्मी से बीजेपी विधायक से लगाई गई शादी कराने की गुहार, वोट देने के बदले की शादी कराने की मांग, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। जम्मू के राजौरी में 15 किलोमीटर सड़क का किया गया निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ सड़क का निर्माण। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र के मुंबई नासिक हाईवे पर लगा भीषण ट्रैफिक जाम, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कारगिल में भारतीय सेना ने बदला काक्सर पुल का नाम, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया पुल का नाम। उत्तर प्रदेश को रायबरेली में पति ने की महिला की बेरहमी से पिटाई, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं, पीड़िता की तरह पर पति समेत 3 पर एफआईआर। यूपी के कानपुर में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुई मारपीट, एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, मुकदमे में समझौता नहीं करने पर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, लड़की से छेड़छाड़ को लेकर के हुआ विवाद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों से मारपीट हुई है, पानी की बोतल को लेकर बड़ा विवाद हुआ, मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के प्रयागराज में 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी मुकेश को किया गिरफ्तार, बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले थे चोटों के साथ निशान। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सब्जियों की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, आग लगने से सारा सामान जलकर आग। जम्मू के किश्तवाड़ में हादसा, मुलवारान गांव में लगी भीषण आग, कई और गौशालाएं भी जलकर खाक। और देश में फिर एक जान जेब में चली गई। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिम के दौरान अटैक से मौत हो रही है, क्रिकेट खेलने के दौरान दौरा पड़ रहा है, पल भर में जान चली जा रही है, स्टेज पर किसी नाटक गाने के दौरान लोगों की मौत हो रही है। आखिर पिछले कुछ समय से ऐसा क्या हुआ है कि इंसान का दिल दगा दे रहा है। और गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात के सूरत में जिम में एक्सरसाइज करते करते अचानक एक शख्स की मौत हो गई, एक्सरसाइज कर रहे व्यक्ति को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे अटैक से पहले शख्स एकदम ठीक नजर आ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन अचानक से एक्सरसाइज करते करते धड़ाम से वो नीचे गिर गया, वो पेट के बल ट्रेडमिल से उछलकर फर्श पर गिर पड़ा और सभी लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसको संभाला जाता उसकी जान जा चुकी थी। आप देखिए किस तरीके से ट्रेडमिल पर वो एक्सरसाइज कर रहा था, रनिंग कर रहा था, लेकिन अचानक से वो उछलकर नीचे गिर जाता है। मौत कब कहां आ जाए कोई नहीं जानता, ना ही कोई जिंदगी और मौत का अंदाजा लगा सकता है। आए दिन किसी न किसी कारण, किसी न किसी तरीके से मौत होने की खबरें सामने आती हैं। कभी चमत्कार भी हो जाते हैं और मौत के करीब जाकर भी इंसान बच जाता है, या यूं कह लीजिए कि मौत को छूकर टक से वापस आ जाता है। लेकिन कभी कभी जान बचाने की कोशिशें काम नहीं आ पाती। ऐसा ही एक मामला गुजरात के सूरत से सामने आया है, जहां एक व्यापारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मौके पर ही व्यापारी को सीपीआर दिया गया, लेकिन इस तरकीब ने भी काम नहीं किया। दरअसल व्यापारी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था और देखने से वो बिल्कुल फिट लग रहा था, लेकिन अचानक पेट के बल ट्रेडमिल से उछलकर फर्श पर जा गिरा।
जिम ट्रेनर ने उसे तुरंत CPR दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि इससे पहले वो नॉर्मल एक्सरसाइज करता दिखाई दे रहा है। ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते व्यापारी की मौत होने का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये शख्स ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, उसके साथ एक और शख्स ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते शख्स झटका खाकर उछलकर ट्रेडमिल से नीचे फर्श पर गिर जाता है। उसे देखते ही साथ वाली ट्रेडमिल पर दौड़ रहा शख्स और आसपास एक्सरसाइज कर रहे लोग दौड़ पड़े। जमीन पर गिरे शख्स को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेसुध दिखाई दे रहा है। किसी तरह उसे सीधा करके CPR दिया जाता है। थोड़ी देर तक जब वो रिवाइव नहीं हो पाता तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत की पुष्टि कर दी। वैसे ये ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी देश भर में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सितंबर 2023 में भी जिम में ही ट्रेडमिल पर 20 साल के युवक की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक्सरसाइज करते वक्त शख्स की मौत हो गई थी। डांस करते वक्त एक्टर अशोक माली की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पिछले कुछ दिनों में जिम में वर्कआउट के दौरान मौतों के मामले या हार्ट अटैक के मामले कई बार सामने आए हैं। टाइमलाइन बता देते हैं आपको कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लगातार बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आए हैं। अभी आपको तस्वीर हमने दिखाई, जो रिपोर्ट दिखाई वो 15 अक्टूबर की है, जहां 60 साल के एक व्यापारी की बुजुर्ग की मौत हो गई ट्रेडमिल पर रनिंग के दौरान, और वो उसके पहले नॉर्मल वर्कआउट करते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा इसके पहले यानी ठीक 3 से 4 दिन पहले 11 अक्टूबर को संभल में जिम में वर्कआउट करते समय 22 साल के युवक की मौत हो गई थी, वो भी हार्ट अटैक से ही बताया जा रहा है। हार्ट अटैक से एक और मौत गरबा करते वक्त हुई थी, जहां एक्टर अशोक माली की मौत की तस्वीरें सामने आई थी। अचानक से उनको भी हार्ट अटैक आया, समय रहते उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। वहीं 9 अक्टूबर को सीतापुर में उत्तर प्रदेश के डांस करते समय 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी, यानी हार्ट अटैक आने का कोई उम्र नहीं है आने की। लगातार 17 साल से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग तक की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं हार्ट अटैक से। 4 अगस्त 2024 को राजस्थान के जयपुर से डांस करते समय 45 साल के शख्स की मौत का मामला सामने आया था, कारण हार्ट अटैक बताया गया। 2 अगस्त को इसी साल ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त 42 साल के शख्स की मौत हो गई थी, और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और CPR देकर बचाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन कोशिशें कई बार नाकाम होती हैं। 22 जुलाई 2024 को संभाजीनगर महाराष्ट्र में जिम में वर्कआउट के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी, इनकी उम्र की जानकारी नहीं मिल पाई है। 29 सितंबर 2023 को जिम में ट्रेडमिल करते वक्त एक 20 साल के युवक की मौत हो गई थी। तो लगातार ऐसे मामले, कोई उम्र सीमा नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है अपनी सेहत का, अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। और इसके लिए जरूरी है कि आप हेल्दी खाएं, और जरूरी यह भी है कि आप समय समय पर डॉक्टर से रूटीन चेकअप भी कराएं, क्योंकि कई कारण इसके बताए जा रहे हैं। कई बार स्ट्रेस बताया जाता है, लाइफस्टाइल बताई जाती है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि लोग वर्कआउट के पहले ध्यान नहीं रखते हैं चीजों का, इस वजह से भी ऐसी मौतों के मामले, हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी सेहत का और अपने से जुड़े लोगों की सेहत का ख्याल रखिए, ऐसे मामले कम होंगे, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे, अपनी और अपने से जुड़े लोगों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। क्योंकि गुजरात के सूरत में जो कुछ हुआ उसको देखकर केवल गुजरात के लोग ही नहीं, बल्कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो डरा हुआ है कि पता नहीं कब क्या करते हुए उनको, वर्कआउट करते हुए, चलते हुए, डांस करते हुए, फैमिली के साथ बैठे हुए, कब हार्ट अटैक आ जाए और कब ऐसी घटना सामने आए। यही वजह है कि डॉक्टर परिश्रम से बनाई पहचान, पत्रकारिता की शान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।